नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरे चैनल कूलिंग मंत्रा पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोल्ड रूम के विषय में जानकारी दूंगा। इसके पहले जो आप मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने केवल थ्योरिकल जानकारी दी थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो कोल्ड रूम है ये लो टेम्परेचर का कोल्ड रूम है, मतलब -18 से -22। इस कोल्ड रूम में दो रूम बनाने पड़ते हैं, एक एंटी रूम होता है और एक मेन रूम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटी रूम को, उसके बाद हम चलेंगे मेन रूम के अंदर। एंटी रूम में जाने से पहले भी हम समझ लेते हैं जो बाहर की एक्सेसरीज है इसका क्या उपयोग है, जरूरी है या नहीं है। सबसे पहले तो ये व्यू पोर्ट को देखते हैं हम, ये अंदर देखने के लिए होता है, ये बहुत कंपलसरी नहीं है, इसका जरूरत भी नहीं होती है, रेयर इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको आप ना लगवाएं, अननेसेसरी आपका जबरदस्ती कोल्ड रूम का प्राइस बढ़ेगा। ये अगर जरूरत हो तभी आप लगवाएं। फिर नीचे आप किक प्लेट देख रहे हैं, ये किक प्लेट एलुमिनियम की बनी हुई है, ये इसलिए लगाई जाती है कि आपका डोर डैमेज ना हो, जब आप उसको लैग से बंद करते हैं तब ये आपके डोर को डैमेज होने से बचाती है। फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये एयर को बैलेंस करता है। क्यों बैलेंस करता है? जब हम डोर बंद करते हैं तो हवा का प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, अगर ये ना होगा तो दरवाजा आपका प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होगा, आपकी कूलिंग लॉस होगी। और जब टेम्परेचर लो होता है तो अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे उस अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वो वैक्यूम क्रिएट ना हो उसके लिए इसको लगाया जाता है, ताकि अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, आपका दरवाज़ा भी इजीली खुल सके और प्रॉपर तरीके से बंद हो सके। फिर ये इसका डोर क्लोजर है जो इसके डोर को प्रॉपर तरीके से बंद रखता है, कूलिंग को बाहर नहीं आने देता है। ये इसके लॉक हैं और ये लॉक अंदर से भी खुल जाता है अगर इमरजेंसी में जरूरत हो तो। अब हम देखते हैं एंटी रूम के अंदर क्या है। ये है एक एंटी रूम जो लो टेम्परेचर के पहले बनाना बहुत जरूरी है, ताकि बाहर की जो गर्म हवा है एकदम से हमारे -20-22 के रूम में ना जाए। इस एंटी रूम में आप मशीन लगा सकते हैं, लेकिन वो मशीन आपको जब ही लगानी है जब आपको इसमें कोई प्रोडक्ट रखना हो, नहीं तो आपको विदाउट रेफ्रिजरेशन मशीन के इस रूम को बनाना है खाली। अगर आपको कोई प्रोडक्ट रखना है प्लस का तब तो आप इसको लगाएं, अदरवाइज अगर इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो इससे कोई लॉस होने वाला नहीं है। अब इसको हम अंदर से देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये इसकी यूनिट है, ये कूलिंग लगाई गई है, प्लस टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। इसकी जो वॉल्स है वो 60 mm की है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं 60 mm के आसपास इसकी मोटाई है। ये पूरा कोल्ड रूम कैमलॉक से बना हुआ है, वॉल टू वॉल कैमलॉक, वॉल टू सीलिंग कैमलॉक, वॉल टू फ्लोर कैमलॉक। कैमलॉक क्या होता है, इसमें जब हम रूम बनाते हैं तो वो इसको आपस में पैनल को कनेक्ट करना होता है, उस पैनल को कनेक्ट करने के लिए हम लॉक का उपयोग करते हैं, ये कैमलॉक होते हैं। इसको आप निकालेंगे तो इसमें देखेंगे अंदर लॉक है, जिससे पैनल कनेक्ट हो जाता है। कुछ पैनल्स कंटिन्यूस पैनल्स भी आते हैं जिसको रिपीट के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। कैमलॉक का क्या फायदा होता है, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, इसमें लीकेज नहीं होते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है फ्लशर्स वाले कोल्ड रूम के मुकाबले। ये कुछ खासियत थी जो मैंने आपको बताई। अब हम एंटर करते हैं माइनस का जो रूम होता है हमारा, जिसको हम लो टेम्परेचर का रूम बोलते हैं, ये मेन रूम है हमारा। आइए इसको देखते हैं अंदर से। इसकी वॉल जो होती है मिनिमम 125 mm की मोटी वॉल चाहिए, ताकि आपकी कूलिंग लॉस ना हो। बाकी इसमें अभी ये रूम छोटा है तो एक यूनिट लगाई है हमने, यदि आपके रूम का साइज बड़ा है तो आपको 2 यूनिट कम से कम लगाना चाहिए, कि इमरजेंसी में मान लीजिए एक आध मशीन में ब्रेकडाउन आ गया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है फ्रोजन या आइसक्रीम इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये इसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे गिर गया तो प्रोडक्ट आपके खराब हो सकते हैं। ये भी कोल्ड रूम पूरा कैमलॉक से बना हुआ है, बाकी सारी एसेसरीज इसके अंदर भी वैसी ही हैं जैसे आपने इसके पहले के रूम में देखी थी। इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है -18 से -22 या -25 तक आप रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी मैंने दी है ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपने मेरी बात को इतने ध्यान सुना, उसके लिए धन्यवाद।